हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप जून के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, सो दैट बरसातें जब आएंगी, मॉनसून सीज़न आएगा, तो आपको सब्जियां खाने को मिलेंगी। ठीक है, तो मॉनसून सीज़न बहुत अच्छा होता है वेजिटेबल्स लगाने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारा पानी होता है बारिश का, वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है और बारिश के मौसम में हर चीज़ बहुत अच्छी ग्रो होती है। तो बस इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आप लगा सकते हैं। मेरे पास जो सब्ज़ियाँ मैं बीज के लेके आई हूँ, और मैंने ये सारे बीज अपनी लोकल नर्सरी से ही लिए हैं, और आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या आप अपने लोकल नर्सरी पर जाकर भी इनको ख़रीद सकते हैं। तो सब्ज़ियाँ आपने जो सी लगानी है, उसके बीज कौन से लेने हैं वो ध्यान में रखिएगा। और अगर आप ज़मीन में लगाने वाले हैं सब्ज़ियाँ, तो आप ऑर्गेनिक सीड्स भी लगा सकते हैं या फिर आप हाइब्रिड सीड्स दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉट्स में लगानी है सब्ज़ियाँ, तो फिर आप हाइब्रिड सीड्स का चुनाव करेंगे, तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे बीज भी हाइब्रिड सीड्स हैं जो मैंने लिए हैं, नर्सरी से ही परचेज़ किए हैं। 20 रुपये का एक पैकेट मिला है मुझे, और ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको बॉटल गॉर्ड मिल जाएगी, तोरी मिल जाएगी लंबी वाली, आपको इसमें लौकी भी देखने को मिलेगी, और भिंडी के बीज आप देख सकते हो, धनिया है यहाँ पे, और धनिया के बीज हैं और कुछ बैंगन के बीज हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये लोकल वैरायटीज़ ही हैं सारी। बॉटल गॉर्ड और ये तोरी आप लगा सकते हैं, और ये सब बेलें हैं, बेलें ज़्यादातर हैं, और ये बेलें जो आती है बरसात में काफ़ी अच्छी चलती हैं हमारे यहाँ पे स्पेशली, और एक ये टिंडे की बेल भी है। तो ये सारी सब्ज़ियाँ आप लगा सकते हो बहुत ईजिली। बैंगन है इसमें, और ये छोटे वाले बैंगन हैं जिनको मैं अभी, जिनकी सीडलिंग मैं अभी करूँगी और बीज लगाएंगे जिनके, तो वो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। तो अगर आपको सब्ज़ियाँ लगाने का शौक़ है तो बस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जून का महीना स्टार्ट हो चुका है और हमारे यहाँ नॉर्थ में गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन गर्मी के साथ साथ इस बार जो है बारिश भी होती जा रही है। तो मेरी छत पे जो ऑलरेडी बेलें लगी हुई हैं, 2 बेल मैंने घिया की लगाई हुई है और 2-3 मस्क मेलन की हैं, खरबूजे की बेल लगी हुई हैं, उन पे फ्रूट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो घिया की बेल पे तो अभी फ्रूट नहीं आए हैं, लेकिन जो मेरी मस्क मेलन वाली है उस पे जो है फ्रूट्स लगने स्टार्ट हो चुके हैं, और उसकी पिक्चर भी मैं इसमें आगे आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो ये पैकेट आप देख सकते हैं, इसके पीछे ये 20 रुपये का एक पैकेट है, और इसके पीछे डिटेल्स आपको सारी मिल जाती हैं कि क्या इनकी जर्मिनेशन रेट रहती है, किस तरीके का टेम्परेचर आपको बीज में, बीजों के लिए मेंटेन करके रखना होता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, बस वही फॉलो करनी होती है। इसके साथ साथ और भी आप बहुत सारी सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं, मैं तो अभी फ़िलहाल ये नए बीज लेके आई हूँ। इसके अलावा आप लगा सकते हैं टमाटर, और ये सारी पिक्स मेरे गार्डन से ही हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है टमाटर की नई सीडलिंग्स, और ये भी आप लगा सकते हैं अभी इस सीज़न में। ये है फलियां, जो लंबी वाली फली होती है, आई थिंक उसको स्नैक बीन्स कहते हैं। तो ये है, देखो ये तब वो सीडलिंग्स थी, अब बड़ी होगी, इसमें बीन्स लग रही हैं, और ये देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की हैं, कुछ मैंने जल्दी तोड़ ली, ये काफ़ी लंबी हो जाती हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं, ग्रीन सा टेक्सचर, ग्रीन सा इफेक्ट आता है। पुदीना आप लगा सकते हैं, बरसातों में बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप पुदीना ज़रूर लगाइएगा। और पुदीना तो हमारा 12 महीने का फेवरेट है, हमारे घरों में चटनी हो, खाना हो, कहीं भी पुदीने को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं गर्मियों के मौसम में शिकंजी बनाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये मस्क मेलन लगे हुए हैं मेरे, ये भी आप लगा सकते हैं। मूली आप लगा सकते हैं क्योंकि अब सीज़न सही हो चुका है, गर्मियां ना हो तो मूली आप लगा सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा वेल ड्रेन हो उसकी सॉइल। और आप बैंगन लगा सकते हैं, ये सारे बैंगन मैंने अपने टेरेस गार्डन से ही तोड़े हैं। भिंडी आप लगा सकते हैं, और इन सबको आप जून के महीने में लगा लीजिए, अभी स्टार्टिंग का महीना है, और जैसे जैसे बरसात आएगी, जुलाई आएगी, तो ये सब अच्छे से डेवलप होके पौधे आपके बन जाएंगे, और फिर आगे आपको बरसात के मौसम में सब्जियां खाने को मिलेंगी फ्रेश फ्रेश अपने किचन गार्डन से। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरीके से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे एफर्ट्स को, और अगर अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सी यू देन, एंड कीप गार्डनिंग। बाय बाय।